हेलो फ्रेंड्स, चारों मात्रा सही में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम एक और नई रेसिपी लेके आए हैं, सो आइए देख लेते हैं आज हम क्या बनाने वाले हैं। पैन ले लिया है, इसमें हमने एक कटोरी चावल का आटा लिया हुआ है, वो ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने ये एक कटोरी ही पानी लिया हुआ है, वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस ऑन करके इसे हल्का सा गर्म होने तक, जस्ट हमें मिक्स होने तक कुक करना है। जब ये हल्का सा पानी मिक्स हो जाएगा, सारा ड्राई हो जाएगा, तो इसमें हम 1 टेबल स्पून जितना देसी घी लेंगे उसे ऐड कर देंगे। घी से मिक्स कर लेते हैं साथ में ही, और इसे अब हम कवर करके रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, कवर करके रखेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद इसे दोबारा से चेक करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं हमें अपने चावल के आटे को इस तरीके से सोक करके पानी में रखे हुए। एक बारी चेक करते हैं कि देखिए हमारा हल्का सा और एकदम थिक सा हो गया है। इसे हम किसी परात या बड़ी प्लेट में बॉल में निकाल लेते हैं। सेम पैन लिया है, इसमें हम 2 टेबल स्पून जितना अपना गोले का बुरादा ऐड करेंगे। आप चाहें इसमें ताज़ा नारियल ऐड करना, सो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। हल्का सा स्लो फ्लेम पे इसे हमें रोस्ट करना है, बहुत हल्का सा। इसमें एक अच्छी सी हमें हल्की सी अरोमा आने लगेंगी, जस्ट हमें उतना ही करना है। कलर चेंज होने तक हमें इसे नहीं भूनना है, ये हमें याद रखना है। चलाते रहिएगा वरना नारियल का बुरादा बहुत जल्दी हमारा तले पे लगना शुरू हो जाता है। सो इस तरीके से इसे हल्का हल्का सा बीच बीच में स्टर करते रहेंगे। इस तरीके से हल्का सा इसमें हमारे खुशबू आ चुकी है भुनने की। इसमें हमने ये गुड़ लिया हुआ है 1/4 कटोरी जितना, उसे हमें ऐड कर देना है। कुछ भी पानी ऐड नहीं करेंगे, जस्ट इसको अपने गुड़ को अपने नारियल के बुरादे में इसी तरीके से जस्ट हमें मिक्स करते हुए चलाते हुए कुक करना है। थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच जितना, और कोई ड्राई फ्रूट हम ऐड नहीं कर रहे हैं। आप चाहें इसमें कुछ और ऐड करना तो आप अपने हिसाब से ड्राई नट्स ऐड कर सकते हैं। इलायची पाउडर की इसमें काफ़ी अच्छी महक आती है, खुशबू आती है, सो वो आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। तो इसे चलाते हुए इसी तरीके से बस हमें कुक कर लेना है। गैस हमारी एकदम सेम है, क्योंकि इस तरीके से स्पैटुला से दबाते हुए गुड़ को आप करिएगा, सो आपका गुड़ जो है वो नारियल में अच्छे से मिक्स होता जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आप देखेंगे नारियल आपका एकदम अच्छे से गुड़ में इस तरीके से मेल्ट होते हुए सारा कोट हो जाएगा। बस हम अपनी गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, इसे हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, वरना हमारा गुड़ जो है वो काफ़ी हार्ड हो जाएगा, च्यूई हो जाएगा, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अब जो हमने अपने चावल के आटे को निकाल के रखा है एक साइड में, उसे चेक करते हैं। हमने अपने चावल के आटे को इस तरीके से निकाल के रखा था, उसे हमें अब थोड़ा थोड़ा सा नीड करना है, जिससे कि एक हमारा ये स्मूथ सा टेक्सचर में आके आटे की तरह लग के तैयार हो जाएगा। इसे थोड़ा थोड़ा मसल लेते हैं, कैसे इसे थोड़ा थोड़ा करते हुए नीड कर लेंगे, और अगर आपको ज़रूरत लगे तो बीच में आप थोड़ा थोड़ा सा देसी घी इसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे कि वो अच्छे से नीड हो जाए और बहुत ज़्यादा हाथों पे स्टिकी ना हो। थोड़ा सा गर्म हो, हल्का सा, मतलब जितने आपके हाथ सहन कर सकते हो उतने गर्म में ही हमें ये काम करना है, क्योंकि एकदम ठंडा हो जाएगा तो भी हमारा ये स्मूथ नहीं हो पाएगा। ये देखिए इस तरीके से अब हम इसके 3 पार्ट डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से अब इसमें हमने ये रेड और ग्रीन कलर लिया हुआ है, एक एक पार्ट में रेड कलर मिलाएंगे, एक में ग्रीन, और एक पार्ट को ऐसे ही वाइट रहने देंगे। तो इस तरीके से 2 पार्ट को हमने अलग रख दिया है, और इसमें हम हल्का अपना ग्रीन कलर मिक्स करेंगे। थोड़ा सा घी ले लेंगे, क्योंकि हाथों पे थोड़ा हमारा स्टिकी हो रहा है। तो ये इस तरीके से ग्रीन हमारा बॉल बनके तैयार है। अब एक पार्ट में हम रेड कलर ऐड करेंगे, थोड़ा सा रेड कलर ले लेते हैं, इसे भी मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा घी लेंगे हाथों में और इसे इकट्ठा कर लेंगे। सो ये इस तरीके से रेड वाला हमारा रेडी है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो अपने कलर्स बना के रखे हुए हैं इसमें से हम एक एक बॉल तोड़ के रखते जाएंगे। ऐसे ही ग्रीन कलर से भी रखते जाएंगे, फिर हम ये वाइट कलर लेंगे और उसके भी एक एक बॉल रखेंगे, रोल करेंगे, ऐसे तीनों बॉल्स को एक साथ में उठाते हुए मिलाएंगे। सो एक ये हमारी इस तरीके से कलरफुल आप देखेंगे बॉल बनके तैयार है। हमने ये मोदक का जो खाचा आता है वो लिया हुआ है, इसको घी से ग्रीस करेंगे अच्छे से। इसमें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा इन बॉल्स में से रखते जाएंगे। आप चाहें
तीनों अलग अलग कलर्स की बॉल्स रखना, तो आप वो भी करके रख सकते हैं। अब इन तीनों को मिलाएंगे, प्रेस करेंगे, जो एक्स्ट्रा होगा वो हमारा बाहर आ जाएगा। इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे इस तरीके से, फिंगर डालने के बाद, इस तरीके से होल करने के बाद इसमें जो हमने अपनी स्टफिंग बनाई हुई है गुड़ और नारियल वाली, उसको फिल करेंगे अच्छे से। बहुत थोड़ी सी स्टफिंग हमें फिल करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, वरना वो हमारे बाहर आ जाएगी। फिल करने के बाद ऊपर से हम दोबारा से इस तरीके से मिश्रण को ऐड करेंगे। सो ये इस तरीके से एक आपका कलरफुल मोदक बनके तैयार है। इसी तरीके से अगर आप हाथ से बनाना चाहें, सो एक बॉल को लेंगे, हल्का सा हाथ से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा किनारों से इसे फैलाते हुए प्लेन करेंगे। फिर इसके अंदर अपनी स्टफिंग को रखेंगे। स्टफिंग रखने के साथ में ऐसे किनारों से थोड़ा थोड़ा सा इसमें बनाते जाएंगे शेप। फिर उसके बाद इसे इस तरीके से हमें ऊपर उठाते जाना है। सो एक ये आपका हाथ से इस तरीके से मोदक बनके तैयार है। इसमें आप डिजाइन डालना चाहें सो हम इस तरीके से नाइफ की मदद से पतली पतली सी पास पास लाइंस बना देंगे। इसी तरीके से अपने सारे मोदक बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरीके से सारे मोदक अपने बना के तैयार करके रखते जाते हैं। सो ये देख सकते हैं इस तरीके से हमारे ये कलरफुल मोदक बनके तैयार हैं। दो हमारे थोड़े से बड़े साइज के बने हैं, क्योंकि बाद में आटा बच रहा था तो मैंने इसलिए दो बना के फिनिश कर दिया। ये जो हमने खांचे से बनाए थे थोड़े ज्यादा ही छोटे बने थे, इसलिए मैंने बाकी जैसे आपको हाथ से बनाने बताए थे सारे हाथ से ही बनाए हैं, और बहुत परफेक्टली हाथ से बना के आप तैयार कर सकते हैं अगर आपके पास साँचा नहीं है तो भी। सो आइए इन्हें अब गैस की तरफ चलते हैं कुक करने के लिए। तो हमने एक ये नीचे कढ़ाई में पानी रख लिया है भर के, आधी कढ़ाई पानी है हमारा, और ऊपर हमने इस तरीके से ये जाली रख दी है। इसमें घी से हमने इसको ग्रीस कर लिया है और इसमें अपने अपने मोदक को प्लेस करते जाएंगे। आप चाहें इडली मेकर में जो मोमोज वाली प्लेट होती है उसमें स्टीम करना, उसमें भी आप कर सकते हैं, या इस तरीके से करना तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसे हमें लगभग 12 से 15 मिनट का समय लगेगा स्टीम होने में। सो इसे हम कवर करके रखेंगे और 15 मिनट के बाद ही हम इसे चेक करेंगे। हमारे 12 के हुए मोदक को 12 से 15 मिनट हो चुके हैं, 12-13 मिनट चेक कर लेते हैं। इस तरीके से अगर आपके हाथों पे ये स्टिकी नहीं होता है सो आप इट मीन्स ये परफेक्टली हमारे कुक हो चुके हैं। गैस की फ्लेम बंद करेंगे और थोड़ी देर से इसी तरीके से अनकवर्ड छोड़ देंगे बिना ढके हुए, उसके बाद इसे हम बाहर निकालेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। इन्हें आइए एक प्लेट में निकाल के रखते जाते हैं। सो ये इस तरीके से आप देखेंगे हमारे एकदम कलरफुल मोमोज बन के घर पे ही तैयार हैं। आप देखिए इसके अंदर की स्टफिंग भी एकदम परफेक्ट है, और आप देखेंगे बहुत मोटी लेयर हमने इसकी बना के तैयार नहीं करी हुई है, पतली ही लेयर बना के हमें तैयार करनी है, क्योंकि चावल का आटा होता है थोड़ा हैवी हो जाता है कुक होने के बाद और भी। सो जितनी पतली लेयर आप इसकी बना सकते हैं हाथ से उतनी ही अच्छे से बन के आपका ये तैयार होगा। सो इस तरीके से इस गणेश चतुर्थी पे आप ये कलरफुल मोमोज बना के तैयार कीजिएगा। सो इस तरीके से आप लोग ये रेसिपी बना के ट्राई करेंगे, काफ़ी अच्छी और टेस्टी आपकी रेसिपी बनकर तैयार होगी। जो टिप्स मैंने इसमें दी हैं उनको भी आप फॉलो जरूर कीजिएगा। आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।